बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं रेम्बो चाइना गिलास। सबसे पहले हमने चूल्हा जलाया और दूध रख दिया, उसमें हमने एक चौथाई चाय का चम्मच हमने इसमें पिसी हुई इलायची डाली। आधे प्याले चीनी, थोड़ा सा मिक्स कर लेते। चीनी हमारे अच्छी तरह घुल गई है। अब इसी में है ना, ये हमारे पास चाइना गिलास है, ये देखिए ये चाइना गिलास है ना, हमने एक पैकेट ले लिया था पूरा, हम इसमें डाल देंगे। वॉश करके उसको हमने रख लिया था, अब इसमें हम डाल देंगे। अब हम इसको इतना पकाएंगे जब ये हमारा चाइना गिलास पूरा अच्छी तरह इसमें घुल जाए और हमारा अच्छी तरह ना दूध है ना इसमें चौथा हिस्सा ना जल जाए। जब तक हम चूल्हा हल्का करेंगे, एक किलो दूध है तो तीन पाव रह जाए, इतना हम इसको पकाएंगे। जब तक इंतज़ार करते, ये हमारा बिल्कुल, ये देखिए ये हमारा हो गया गाढ़ा। अब हम इसको तीन हिस्से में कर लेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हमने इसमें एक प्याली ली, इसमें है ना हमने दो चुटकी ना हरा कलर डाल दिया, ये देखिए। अब दो चुटकी हमने रेड कलर इसमें डाला है, अब इसके अंदर भी हम ना प्याली हमारी आधी भर लेंगे, एक हम ना हिस्सा वाइट ही रखेंगे। ना ये चाइना गिलास है ना, सबसे पहले हमने ना हरी लहर लगा ली, अब इसमें ना हमने ये रेड कलर लगा लिया, अब ये हमारे पास है ना ये वाइट है। अब इस तरह ना, इस तरह करके हम वाइट लगा लेंगे, इस तरह। कम से कम इसको हम ना आधा घंटे के लिए ना हम इसको रखेंगे, कम से कम आधा घंटा। ये हमने लगा दी सारी, अब हम इसको हल्के हल्के हाथ से ना इस तरह का फैला देंगे, ये देखिए। चटपट सी रेसिपी है, कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट ये रेसिपी बना सकते हैं इस तरह, ये देखिए। बस कम से कम हम आधा घंटा तक इंतज़ार करेंगे। ये अभी हमने इसको बिल्कुल हमारी तीन लहर लगा ली इसमें, अब ये देखिए। अब हम इसको ना अच्छी तरह ना इस तरह का ना, इस तरह का लगा रहा। अभी इसी के ऊपर ही ना थोड़े से ना बादाम लगा देंगे हम, ज़्यादा थोड़ा आप लोग लगा सकते हैं, देखिए। बहुत मज़े का मीठा, बहुत अच्छा बनने वाली रेसिपी है ये, इस तरह की। आप इसमें टूटी फ्रूटी भी लगा सकते हैं, बादाम भी लगा सकते हैं, पिसा हुआ खोपरा, पिस्ते, जो भी जिसका जो दिल करे वो लगा सकते हैं, ये देखिए। हमने बादाम लगा लिए इसमें, अब हम है ना इसको हल्का हल्का सा ना इस तरह, ताकि बादाम है ना इसमें अच्छी तरह चिपक जाए। अब हम है ना 10 से 15 मिनट इंतज़ार करते हैं। ये हमारा चाइना गिलास बिल्कुल अच्छी तरह से, देखें, अच्छी तरह से जम गया है। अब हम इसको ना कटिंग करके इस प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। कटिंग करके दिखा देते हैं। ये हमने हमारे प्लेट में भी बिल्कुल डिश आउट कर लिया, देखिए कितने मज़े का मीठा बना हुआ है और कितने सॉफ्ट बने हैं, देखिए। मेहमान आ जाए तो बहुत झटपट से बनने वाली रेसिपी है, खाइए देखिए। बहुत मज़े का चाइना गिलास बनता है ये, फटाफट फटाफट बनने वाली रेसिपी, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है।
ये देखें आप लोग खुद सिर्फ चेक करें, बिल्कुल मलाई जैसे और बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें कितने प्यारे रेनबो चाइना गिलास हमारा इतने मज़े का तैयार हुआ है, बहुत ज़बरदस्त मीठा है, आप लोग भी इसी तरह ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। बहुत अच्छी सी रेसिपी है, बहुत आसान सी रेसिपी है, सिर्फ दो चीज़ों से बनने वाली रेसिपी है, बहुत मज़े का मीठा तैयार होता है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमाल में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।